हेलो गाइस, आज मैं आपको गरारा की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 6 मीटर फैब्रिक ले लिया है। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया है, ये क्रैप में है। तो मैं आज आपको अभी तक मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग अपलोड नहीं की है इस टाइप की ड्रेस की। तो आज मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट भी आ गए हैं कि आप गरारा की सरारा की कटिंग और स्टिचिंग अपलोड कीजिए। तो ये सिंपल सी गरारा मैं बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो 6 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है, बट इसमें से मैंने अलग अलग पार्ट को कट करके रखा है, उसी में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेस नहीं है कि मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखा पाऊँ अच्छे से। तो मैं आई होप आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं पैंट की कटिंग बताऊंगी, जो इसकी गरारा है उसकी कटिंग बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत आसान है, सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ और ये आसानी होता ही है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टिच करने में। तो आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को इस तरह से फोर फोल्ड कर लिया है। तो आपको पता, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ से जॉइंट है, यानी कि ये क्लोज साइड है, इधर ओपन साइड है। अब मैं इसको इस तरह से फोर फोल्ड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं, अब इसके बाद मैं यहाँ निशान लगाई थी, अब मैं आप लोग को अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग पैंट बनाने, यानी कि गरारा बना रहे हैं। तो गरारा में जो पैंट है वो कहाँ तक रहेगा, उसके बाद हमें यहाँ से चुन्नट वाला पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं लंबाई बता देती हूँ, टोटल लंबाई हमें 40 लेना है और यहाँ से हमें 18 लेना है। तो मैं 18 पे निशान लगा रही हूँ, इस तरह से 18 पे निशान लग चुकी है हमारी। अब मैं कमर बता रही हूँ, कमर जितना भी हो, जैसे कि कमर है 36, उसमें हमें 6 प्लस करना है। 6 क्यों प्लस करना है, 2 इंची हमारी मार्जिन में चली जाएगी, उसके बाद इलास्टिक लगेगी, थोड़ी लूज रहेगी, तो इसलिए हमें 6 इंच प्लस करना है। तो यहाँ 12 आ रहा है, आप देख सकते हैं 12 पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से हमें आसन का माप लेना है, आसन कितना होता है 15, यहाँ से मैं 15 पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले लूंगी। उसके बाद हल्का सा मैं इसको राउंड शेप दूंगी इस तरह से, और थाइस का माप लेना है, तो थाइस में रख रही हूँ 12। जो आप अपना माप ले लीजिए जितना है, उसमें से हमें 12 रखना है, जितना भी हो 2 इंच प्लस करके 12 रख लेंगे। इस तरह से मैं 12 पे तिरछा निशान लगाते हुए अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये सबसे आसान मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ से यहाँ मैं 15 क्यों लेती हूँ ये भी आपको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ से हमारी 2 इंची की मोरी बनेगी ऊपर से इलास्टिक वाली। मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, एक बार अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लेंथ ले लिया है 18, यानी कि हमारी लेंथ आएगी 16, यहाँ से 2 इंची हमारी फोल्ड होगी इस तरह से। और उसके बाद आप कमर का माप रख लीजिए जितना भी हो, हमें 6 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ से फिर हमें आसन का माप लेना है, आसन 15 ही रहता है, मैं 15 पे निशान लगाई हूँ ऊपर से पूरा 15 पे, और यहाँ हल्का सा मैंने राउंड शेप दिया है। और यहाँ से मोरी आप जितना भी, सॉरी थाइस आप जितना भी ले लीजिए, आपका जितना हो तो उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, और यहाँ से आप थाइस पे माप लगा लीजिए तिरछा। अब इसको हम लोग कटिंग कर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आप कटिंग कर रही हूँ। तो ये तो बहुत आसान है, आपको मालूम है। आप प्लीज बेड पे रख के कट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है, मैं बेड पे ही रख के कट करती हूँ। अब वीडियो शूट करने के लिए मैं नीचे रख लेती हूँ, बट मुझे आज मन नहीं किया नीचे रखने का, इसलिए आज मैं बेड पे ही रख के कट कर ले रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत 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 चादर कट किए हैं, बेडशीट कट की है, खराब कर चुकी हूँ मैं। अब ये जो ऊपर का है, ऊपर का हमें क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट कट कर देना है। ये तो हो गई हमारी पैंट की कटिंग। अगर आप इसमें मियाइनी लगाना चाहे तो मियाइनी लगा सकते हैं, मैं लगाऊंगी इसमें मियाइनी। तो मियाइनी भी कट करती हूँ मैं, तो मियाइनी को थोड़ा लास्ट में कट करेंगे। अब मैं आपको इसकी बता देती हूँ, ये जो हमारा चुन्नट बनेगा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना हमें लेना है चुन्नट के लिए। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा चुन्नट बना सकते हैं, ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा। तो ये मैंने
2 मीटर इसकी लंबाई रखी है, आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से ये 2 मीटर मैंने इसकी लंबाई ली है। और इसकी लेंथ हमें टोटल लेंथ तो 40 चाहिए थी, तो वो तो हमारी 16 है, जो इसका ऊपर का पार्ट है वो 16 है। अब हम यहाँ से मेजर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ हमारी 25 आ रही है, ठीक है। और हमारी 1 इंची जाएगी स्टिचिंग में, तो यहाँ से मैं 16 पे इस तरह से रख रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ 40 हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से मैंने अपना इसको रेडी कर लिया है। अब मैं आपको इसमें चुन्नट बना के दिखाऊंगी। तो चुन्नट हमें तो सिंपल सा यहाँ चुन्नट बनाना है, इस तरह से चुन्नट पूरे में बना लेना है एंड नीचे से फोल्ड करना है, फिर वहाँ अटैच कर देना है। तो ये थी हमारी गरारा की कटिंग। तो ये 2 पार्ट है, एक पैर का अलग, एक पैर का अलग। अब ये मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मुझे ये मैं क्यों रखी हूँ। तो ऊपर वाला पार्ट को हमें बनाना है, ऊपर वाला पार्ट में हमें क्या करना है, चुन्नट बनाना है। तो अब तो हम ऊपर वाले पार्ट पर चले गए, तो इस तरह से हमें ऊपर वाला पार्ट में चुन्नट बनाना है। तो आप इसमें भी आप जितना भी चुन्नट बना सकते हैं, इस तरह से मैं देख ले रही हूँ। मुझे पहले तो इसमें मैं अपनी ऊपर वाली पार्ट की कटिंग कर लूँगी, उसके बाद ही मैं उसमें जितना आएगा उसका घेर दे दूँगी गरारा के लिए। तो मैं अलग कर ले रही हूँ ऊपर वाला पार्ट के लिए, और जितना बचा है उससे मैं चुन्नट बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से, क्योंकि ये 4 फोल्ड है, इसको अच्छे से मैं सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद हम तीरा लेंगे, यानी कि शोल्डर। तो शोल्डर मैं 7 ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 7 ले रही हूँ, इस तरह से यहाँ से 6.5 लेंगे। अब इसको 1 इंची का गैप देते हुए राउंड शेप कर देंगे। अब मैं चेस्ट का माप लूँगी, तो चेस्ट का माप मैं 10 रख रही हूँ और 2 इंची एक्स्ट्रा यानी कि 12 मार्जिन के लिए, एंड इसकी लंबाई है 15। अब मैं कमर पे निशान लगाऊंगी, यहाँ से मैं लगा रही हूँ उस मार्जिन को लेते हुए 10.5 एंड इधर से ये 8.5। तो और हमारी 1 इंची की टेकिंग जाएगी और यहाँ से मैं नीचे से हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कटिंग करने टाइम, और साथ ही साथ तो मेरी चादर भी पकड़ा जा रही थी कैंची में, तो उससे भी मुझे डर लग रहा था अगर चादर कट गई तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ले रही थी। तो ये ऊपर का पार्ट है, इसकी टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई 28 है और 2 इंची हमें एक्स्ट्रा लेके कट करना है क्योंकि स्टिचिंग में जाता है। अब मैं नेक कट करूँगी। तो नेक में आप देख सकते हैं मैं यहाँ 9 रख रही हूँ, ये बैक पार्ट है, और यहाँ से मैं 3 ले रही हूँ इस तरह से। इसको मैं स्क्वायर ही बनाऊँगी, इस तरह से। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसमें अभी मैं स्क्वायर ही बनाऊँगी, सेम रहेगा वैसे ही, बस डीप कम रहेगा। मैं 6 पे रख रही हूँ एंड इधर से मैं 3 पे ही रख रही हूँ। अब मैं इसको भी कट कर लूँगी। और ये फ्रंट पार्ट है तो आर्म होल भी थोड़ा सा गहरा होगा, एंड स्लिप्स भी जब अटैच करें उसमें भी आप आर्म होल गहरा करके ही अटैच करें। तो मैं इस तरह से निशान लगा ली हूँ, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो इसकी कटिंग तो हो चुकी है, अब इसकी चुन्नट की बारी। चुन्नट की लंबाई भी 15 है और जितना बचा था तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1 मीटर से ज़्यादा है, 2 मीटर है। 2 मीटर में हमारा कमर का माप का चुन्नट बनेगा और इसकी लंबाई है 15।
हमें 28 चाहिए, 2 इंची एक्स्ट्रा लिया है मैंने, नीचे से फोल्ड होगा एंड स्टिचिंग में हमारा जाएगा। अब मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने तो इसको 4 फोल्ड कर लिया है, इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 23। अब यहाँ से सिंपल सी है, आपको मालूम होगा स्लीव्स की कटिंग सबसे आसान तरीका है। तो अब यहाँ से मैं 7 पे निशान लगाऊंगी। अब देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 10 है, अब मैं 7 पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं 3 पे लगा रही हूँ। अब इसी को हम लोग शेप दे देंगे इस तरह से, और मोरी का भी हमें निशान लगाना है। मोरी रहेगी 5, यानी कि 4 फोल्ड है तो 10, और 1 इंची एक्स्ट्रा, 1 इंची 2 इंची आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं कट कर दूंगी। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और एक चीज़ बची है, वो है मियाइनी। तो मैं आपको मियाइनी की भी कटिंग दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। सबसे पहले तो हमें इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई हम 7 रखेंगे और चौड़ाई हम 3 या 3.5 रख सकते हैं। तो मैं 3 रख रही हूँ और इस तरह से मैं इसको तिरछा शेप दे दूँगी। तो मियाइनी की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चुन्नट बना रही हूँ, दोनों पैर के एंड ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है उसमें भी चुन्नट बनाएंगे। तीनों में मैं चुन्नट बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर ही मैं बहुत स्पीड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि चुन्नट तो आप समझ ही सकते हैं किस टाइप से बनाना है। अगर ज़्यादा आपका घेर चाहिए तो आप सामने सामने चुन्नट बनाइए। तो मैं सामने सामने चुन्नट बना रही हूँ। तो आज मैं अपनी न्यू मशीन में बैठी थी, क्योंकि जो मेरी वो वाली मशीन थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज मैं इसमें ही स्टिच करती थी। और ये बहुत जल्दी स्टिच होता है, मतलब बहुत फाइन चलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें सिलाई करना। तो हमारी चुन्नट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ, ये हमारा पैंट है, सॉरी गरारा है। तो गरारा का ऊपर में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग उल्टा रख देंगे और यहाँ से यहाँ 11 पे हम निशान लगाए, सॉरी 10 पे हम निशान लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 10 पे मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ। स्ट्रेट हमें सिलना है, जहाँ मैंने चौक का निशान दिया वहीं तक हमें सिलना है। तो हम लोग सिल लेंगे, उसके बाद मियाइनी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं सिल चुकी हूँ एंड मियाइनी भी लगा चुकी हूँ, और एक पैर में मैं चुन्नट भी लगा चुकी हूँ और ऊपर भी मैं फोल्ड कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें इस पैर में भी चुन्नट लगाना है। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें चुन्नट लगाना है, ये इस तरह से आएगा। तो मैं इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख दूँगी एंड यहाँ से मैं इसको अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, फिटिंग लगाना है। तो मैंने अटैच कर लिया, अब मैं फिटिंग लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मियाइनी अटैच कर रही हूँ एंड नीचे से इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी, क्योंकि इसमें फिटिंग लगाने की ज़रूरत ही क्या है, बस हमें स्टिच करना है दोनों पार्ट को। तो मैं सिलाई कर रही थी इस तरह से। और मैं इस मशीन के बारे में आप लोग को 2 लफ्ज कहूँगी कि ये मशीन बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी सिलाई होती है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और इसमें पिको हो जाता है, एम्ब्रॉयडरी हो जाता है, तो इसको मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ पिको करने के लिए। एंड एम्ब्रॉयडरी तो मैंने अभी तक की नहीं है, बहुत जल्द करूँगी, उसके लिए भी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगी एम्ब्रॉयडरी की।
आप देख सकते हैं इसकी पैंट की हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनली इसकी स्टिचिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक के लिए ये जो कमर में मैंने 2 इंची का गैप दिया है, आप देख सकते हैं 2 इंची का मैंने गैप दिया है, इसमें हमारी इलास्टिक जाएगी। तो अब मैं ऊपर वाली पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं शोल्डर को अटैच करूँगी, तो दोनों शोल्डर को इसी तरह से मैं अटैच कर लूँगी। तो मैं डबल सिलाई चला रही हूँ। अब मैं इस शोल्डर को भी इसी तरह से अटैच करूँगी। तो अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि कभी कभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग का लाइक व्यूज़ तो चले जाते हैं बट लाइक नहीं आते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने 2 मीटर पाइपिंग लिया है। अब मैं पाइपिंग को सीधी साइड से इस तरह से स्टिच करूँगी, पूरे नेक में पाइपिंग लगा लूँगी। तो इसमें थोड़ी सी मुझे पाइपिंग लगाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मुझे अच्छे से सेट करके लगाना था तो साइड साइड में से गड़बड़ हो जा रहा था। तो मैं इसी तरह से पूरे में लगा लूँगी अच्छे से। तो मैं इस तरह से पाइपिंग लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ जहाँ हमारा फोल्ड हो रहा था वहाँ मैं कट लगा रही हूँ, तो चारों साइड मैं कट लगा लूँगी इसी तरह से। उसके बाद मैं इस तरह से उल्टा पलट के इसको स्टिच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं, तो इसी तरह से मैं पूरे में स्टिच कर लेना है। तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं यहाँ सिलाई खोल रही हूँ, फिर उसको अच्छे से सेट करके मैं कर देती। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब मैं ये 3 इंची का पट्टी ले रही हूँ एंड इसकी लंबाई है 20। इसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि आधा आधा पार्ट में मैं कट कर दूँगी बाद में। तो सबसे पहले मैं उल्टा करके ये पट्टी बना रही हूँ। पट्टी हमारी पीछे में जो डोरी लगेगी, डोरी नहीं ये चौड़ी पट्टी लगेगी। तो मैं इस तरह से इसको स्टिच कर ले रही हूँ। ये 20 इंची की लंबी पट्टी है एंड 3 इंच इसकी चौड़ाई है, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। अब मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको पलट लूँगी। तो इस तरह से मैं इसके अंदर से बाहर निकाल चुकी हूँ एंड पलट भी चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे सेंटर से। अब क्या करना है हमें, नीचे से 3 इंची का गैप देते हुए नीचे से अब हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है, नीचे से 3 इंची का गैप देते हुए स्टिच कर लेना है। अब मैं इस साइड से भी आप देख सकते हैं गैप देते हुए स्टिच कर ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारी डोरी भी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी कॉर्नर्स है इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। थोड़ा तिनकोना शेप देना है। तो दोनों को मैंने इसी तरह से शेप दिया एंड हमारी ये भी रेडी हो चुकी है। अब हमें स्लिप्स के लिए मोरी स्टिच करनी है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से मोरी स्टिच कर ले रही हूँ, दोनों स्लिप्स की मोरी स्टिच कर लूँगी। उसके बाद हम स्लिप्स अटैच करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, टेकिंग लगाना है। तो इस तरह से मैं
स्टिचिंग लगा रही हूँ। सेंटर से हमें 4 इंची का गैप देते हुए एंड ऊपर तक हमें 5 इंची तक टेकिंग लगाना है। तो चारों तरफ मैं इसी तरह से टेकिंग लगा लूँगी आगे एंड पीछे। तो हमारी टेकिंग भी लग चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्लिप्स को अटैच करना है। तो अब मैं स्लिप्स अटैच कर रही हूँ। तो दोनों साइड हम लोग स्लिप्स अटैच कर लेंगे। उसके बाद फिटिंग लगाएंगे। तो ये हमारी स्लिप्स अटैच हो चुकी है, अब मैं फिटिंग लगा रही हूँ। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा मार्जिन को लेते हुए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम लोग कट कर लेंगे। उसके बाद जो चुन्नट बना था हमारा, उसको हम लोग अपने कमर के अकॉर्डिंग चुन्नट बनाएंगे। उसके बाद इसको चुन्नट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ एंड इसको अटैच कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यह चुन्नट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरा ड्रेस अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।